सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए एपिसोड में। तो गाइस, आज के जो वीडियो है ये मोवावी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट टू है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पार्ट वन में बेसिक फीचर्स बेसिक टूल के बारे में सीखा था। बट गाइस, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के जितने भी टूल है उस सभी टूल को यूज करके हम अपने वीडियोस को प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, यहां पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियो में ऑडियो एडिटिंग टूल के बारे में नहीं सीखा था। बट गाइस, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इस टूल को कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ऑडियो एडिटिंग टूल को सीखने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक ऑडियो का क्लिप या फिर कोई भी म्यूजिक ऑडियो होना चाहिए, जिसके ऊपर आप इस ऑडियो एडिटिंग टूल को यूज करके सीख सको। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक ऑडियो का फाइल है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऑडियो का फाइल है उसे मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा। तो गाइस, यहाँ पे ये मीडिया बिन में सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं सिंपली इस ऑडियो को टाइमलाइन में लाकर ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद गाइस देख सकते हैं, ये जो ऑडियो है वो हमारे कंप्यूटर में ऐड हो चुका है, टाइमलाइन में ऐड हो चुका है। तो एक बार गाइस इस ऑडियो को मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, इस ऑडियो के बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज था, साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑडियो का जो वॉल्यूम था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो इस सभी को एडिटिंग करने के लिए, ये सभी को कस्टमाइज़ करने के लिए आप ऑडियो टूल का यूज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। मान लीजिए, अगर आप ऑडियो एडिटिंग टूल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको चार टूल मिल जाते हैं। एक है इक्वलाइजर, सेकेंड है नॉइज रिमूवल, थर्ड है ऑडियो इफेक्ट और फोर्थ है बिट डिटेक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है नॉइज रिमूवल का, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो अपना वीडियो बनाते हैं उनके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज रहता है। तो नॉइज़ को रिमूव करने के लिए ये नॉइज रिमूवल का फीचर को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने वीडियो के नॉइज़ को जो है रिमूव कर सके। बट गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वलाइजर की। तो गाइस, अगर आप इक्वलाइजर इफेक्ट को अपने ऑडियो में यूज़ करते हो तो आप अपने ऑडियो को कस्टमाइज कर सकते हो। आप उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, उसमें थोड़ा इको, उसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में बता देता हूँ। सिंपली मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट कर लूँगा, इक्वलाइजर पर क्लिक करूँगा। इक्वलाइजर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको एक प्रीसेट्स का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। अगर आप प्रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अगर आप इन सभी प्रीसेट्स को अप्लाई करते हैं अपने ऑडियो में तो आपके ऑडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने नॉर्मली एक जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट बनाया है 101 और माय प्रीसेट 102। ये दोनों प्रीसेट सिंपल है, मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी एडिट नहीं किया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे बनाया। तो सिंपली मैं इसको माय प्रीसेट 1 पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर मैं आपको ये ऑडियो अगर प्ले करके बताऊँ तो अगर ये ऑडियो सुनने के बाद आप ज़रूर कुछ ना कुछ नोटिस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रीसेट्स है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 500 हर्ट्ज़ है इसको मैंने थोड़ा इनक्रीज कर दिया है, फिर 1K हर्ट्ज़ है उसको थोड़ा डिक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है। तो अब मैं आपको एक बार ये ऑडियो को प्ले करके बता देता हूँ। सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो ये जैसे कि आपने ये ऑडियो देखा, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो चेंजेस हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने ऑडियो में इक्वलाइजर का यूज कर सकते हो। अब मैं सिंपली इसको नन कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे ये ऑडियो पहले की तरह हो जाए। वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस मैं इसे टाइमलाइन में ऐड कर देता हूँ। ओके,
सो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि नॉइज रिमूवल। इसके हेल्प से गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया आप अपने वीडियो के नॉइज को रिमूव कर सकते हो, ऑडियो के नॉइज को रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए आपको नॉइज रिमूवल पे क्लिक करना है। नॉइज सप्रेशन को आपको 90% या फिर 80 के आसपास लेकर जाना है ताकि आप अपने ऑडियो के नॉइज को डीपली जो है रिमूव कर सको। तो मैं सिंपली इसको 96 कर देता हूँ, 97। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अब मैं आपको एक बार ये ऑडियो प्ले करके बता देता हूँ। सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आपने ये ऑडियो देखा इसमें काफ़ी सारा जो नॉइजेस थे वो सभी रिमूव हो चुके हैं। इसी तरीके से गाइज आप अपने ऑडियो में किसी भी तरीके के नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो। अब गाइज अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है ऑडियो इफेक्ट। इस टूल की हेल्प से गाइज आप अपने ऑडियो में किसी भी तरीके के इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, जैसे कि इको लगा सकते हो, रोबोट के वॉइस में बोल सकते हो अपने ऑडियो को। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। सिंपली मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट करूँगा, ऑडियो इफेक्ट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं ये रोबोट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर मैं सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं आपको एक बार ये ऑडियो को प्ले करके बता देता हूँ। सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आपने ये ऑडियो देखा है यहाँ पे ये जो वॉइस निकल के आ रहा है वो रोबोट की तरह आ रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने ऑडियो में इस ऑडियो इफेक्ट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है बिट डिटेक्शन। इसका ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। सिंपली मैं पहले इसे नन कर दूंगा। बिट डिटेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे गाइज अगर आप पढ़े तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एन ऑडियो क्लिप टू डिटेक्ट इट्स ऑडियो बिट एंड सो द बीट मेकर ऑन द टाइम लाइन। इसका क्या कहना है, मतलब गाइस आपका जो ये ऑडियो है यहाँ पे आपको एक इस तरीके का टाइम लाइन देखने को मिलेगा। इस टाइम लाइन के थ्रू आप अपने ऑडियो में बीट डिटेक्शन बीट के पास एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस बीट मेकर टू एडजस्ट द टेम्पो ऑफ योर प्रोजेक्ट। मतलब ये कि आपके ऑडियो में अगर मान लीजिए कहीं थोड़ा सा बेस जो है ज़्यादा हो चुका है या फिर ऑडियो का वॉल्यूम कम हो चुका है, तो इस तरीके से आप बीट डिटेक्शन के हेल्प से उस चीज़ को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में बता देता हूँ। सिंपली मैं ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ, बीट डिटेक्शन पे क्लिक करूँगा और गाइज यहाँ पे ये जो टाइम लाइन है वो आ चुका है। अब इस टाइम लाइन के थ्रू गाइज आपको ये रेड वाले लाइन पर क्लिक करना और इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। अब जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नॉइज था वो भी देखिएगा किस तरीके से रिमूव हो चुका है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा बहुत नॉइज देखा था वो भी नॉइज यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप बिट डिटेक्शन का यूज कर सकते हैं। किसी भी बिट के पास आप ऑडियो को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते। सो गाइस यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी बेसिक टूल्स थे, जितने भी टूल्स थे जिसे आप अपने वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते थे, उन सभी टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आप बिगिनर्स हो, अभी आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, तो सबसे पहले तो गाइस आप इस सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कौन सा टूल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारा वीडियो अच्छा दिखेगा, अच्छी क्वालिटी में बनेगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करते समय आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कलर ग्रेडिंग, जिसे आप कलर एडजस्टमेंट कहते हो। सेकेंड, आपको ट्रांजिशंस को यूज करना है अपने वीडियोज में। जैसे आपके वीडियोस में पॉइंट फिनिश होता है, एक पॉइंट फिनिश होता है या फिर एक क्लिप फिनिश होता है, तो आप वहाँ पर ट्रांजिशंस को यूज कीजिए। ट्रांजिशंस को यूज करने से आपका वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है। उसके अलावा गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपने ऑडियो पे। अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज़ होते हैं जो कि आपके वीडियो को ख़राब कर देता है, तो
तो वहाँ पे आप ऑडियो एडिटिंग कीजिए, अपने ऑडियो को कस्टमाइज कीजिए, जितने भी बैकग्राउंड नॉइज हो सबको रिमूव कीजिए, जिससे आपका वीडियो का क्वालिटी भी सही होगा और आपका ऑडियो का भी क्वालिटी और भी इंटरेस्टिंग दिखेगा, जिससे लोग आपके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, अब गाइस मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये दो वीडियो मैंने ऐड करके रखे। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में छोटा सा डेमो बता देता हूँ कि आप कैसे अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो। अब मैं ये दोनों जो क्लिप है इसको अपने इस टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ये वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मैं सिंपली इसको कंट्रोल बी से सिलेक्ट कर लूँगा और ये वाले पार्ट को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल बी करूँगा, ये वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वीडियो जो है वो 15 सेकेंड का हो चुका है। अब मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके बता देता हूँ। ये जो वीडियो है ये मिडनाइट का है और ये वाला जो वीडियो है ये कोई बंदा इसको कोई बुक को स्टडी कर रहा है। अब देख सकते हैं ये जो सेकेंड वाला वीडियो है डायरेक्टली प्ले होने लगा। इसके बीच में अगर हम कोई ट्रांजिशंस को ऐड करें तो वहाँ पे एक अलग ही तरीके का लुक देखने को मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांजिशंस में जाना, आपको जो भी ट्रांजिशंस पसंद आता है, जो भी अच्छा लगता है आपको, उसको ड्रैग करना है, उसके बीच में लाके उसे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके बताता हूँ। फ्रेंड्स देखा आपने कितने अच्छे तरीके से एक लुक आपको मिलता है जब आप ट्रांजिशंस को ऐड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आपका कोई भी पॉइंट फिनिश होता है और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे ट्रांजिशंस को ऐड करना चाहिए तो आप बेफिक्र वहाँ पे ट्रांजिशंस को ऐड कीजिए, क्योंकि ट्रांजिशंस जब आप लगाते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। सुरेश अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है कलर ग्रेडिंग, जिसे आप कलर एडजस्टमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे इस वाले वीडियोस में थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मैं सिंपली इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, कलर एडजस्टमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे चार कलर एडजस्टमेंट तो ऑटोमेटिक दी गई है, आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये वाला अप्लाई करके बताता हूँ, देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे इसका जो शेड्स है वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है, इसके शेडोज थोड़े डार्क हो गए हैं, तो ये मुझे उतना खास नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो ट्रांजिशंस में। ठीक है, मतलब अपने कलर ग्रेडिंग करने के लिए कोई भी टूल को यूज कर सकते हो, कोई भी कलर एडजस्टमेंट यूज कर सकते हो। मैनुअली अगर आपको कलर एडजस्टमेंट करना है तो आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है, एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए आप इस सभी को यूज कर सकते हो। जैसे कि वही मतलब आपका पूरा वीडियो का जो कलर है वो टोटली चेंज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको पहले की तरह ही कर देता हूँ 0। ओके, और अगर आप सैचुरेशन ब्राइटनेस की बात करें तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। बस गाइज आपको इस सॉफ्टवेयर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, थोड़ा इसको डीपली समझना पड़ेगा, तो ही जाके आप इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से अपने वीडियोस को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, धीरे धीरे आपको सभी टूल्स अच्छी तरीके से समझ आने लगेगा, तो आपका वीडियो का क्वालिटी भी अच्छी तरीके से अच्छा वीडियो आप एडिट कर पाएंगे। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा ये ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपके लिए ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।